नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 2 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नया साल। नए साल के शुभ अवसर पर समूचे देश में लोगों ने बेहद ही हर्षोल्लास के साथ साल 2019 को विदा किया, वहीं नए साल का स्वागत किया है। नए साल के अवसर पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने मनपसंद जगहों पर घूमते दिखाई दिए। इसके साथ ही विभिन्न पार्कों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं रेस्टोरेंट और होटल में भी दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा। इस साल विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं का होगा आयोजन। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह साल बहुत सारे नए अवसर लेकर आ रहा है, जिसके तहत इस साल कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं, इस साल कई नई वैकेंसीज की भी उम्मीद है। वहीं इस साल पिछले साल हुए परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा भी की जानी है। इसके साथ ही इस साल RRB NTPC एग्जाम और ग्रुप डी RRC के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। इतना ही नहीं, इस साल दरोगा भर्ती, BPSC, बिहार STET समेत कई और परीक्षाएं भी होंगी। अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। समूचा बिहार इस समय में कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन ठंड के कारण लोगों की और परेशानियां बढ़ती जा रही है। हाल कुछ ऐसा है कि लोग सोच समझकर घर से बाहर कदम रख रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को इस ठंड से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक ठंड का असर कुछ ऐसा ही रहने वाला है, और तो और 2 और 3 जनवरी को बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही है। जनवरी में 2 नए CNG स्टेशन हो जाएंगे चालू। नए साल में जनवरी महीने में पटना के 2 नए CNG स्टेशन का शुभारंभ हो जाएगा। शुभारंभ से पहले जनवरी के पहले सप्ताह में ही इन दोनों नए स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, CNG स्टेशन नौबतपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर मसौढ़ी रोड में बनकर पूरी तरीके से तैयार है। इसी क्रम में पटना के सगुना मोड़ के पास पटना का तीसरा CNG स्टेशन का क्रियान्वयन 15 से 20 जनवरी तक करवा दिया जाएगा। देश दुनिया में अपना परचम फहरा रही है सीतामढ़ी की बेटी शुभा प्रकाश। बिहार का सीतामढ़ी जिला प्रतिभाओं के मामले में काफी ऊपर है। यहाँ से निकली गई प्रतिभाएं देश और दुनिया में अपना परचम फहरा रही हैं। इसी क्रम में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम है शुभ्रा प्रकाश। शुभ्रा प्रकाश सीतामढ़ी के डुमरा क्षेत्र की रहने वाली हैं, जिसने गीत संगीत की दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाया है। हाल ही में शुभ्रा को उनकी गायकी के लिए पेरिस में यूरोपियन बैंड के साथ प्रस्तुति के बाद सिंगर ऑफ द डे का अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटर में प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रवेश पत्र हुआ जारी। सभी इंटर देने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने इंटर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है, जिसको अब परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट BSEB Inter.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र 10 जनवरी तक अपलोडेड रहेगा, जिसके पश्चात यह परीक्षा 10 जनवरी से शुरू हो जाएगी। बिहार बोर्ड के पैटर्न में किए गए बड़े बदलाव। सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। CBSE 10वीं कक्षा के पैटर्न में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी जुड़ाव किया गया है। जिसके तहत CBSE ने छात्रों के लिए सैंपल पेपर भी जारी कर दिए हैं, जिससे कि छात्रों को परीक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा। पटना समेत इन जिलों की सड़कें होंगी और चौड़ी। पथ निर्माण विभाग ने पटना समेत 7 जिलों की सड़कों के निर्माण कार्य का काम शुरू करने का ऐलान किया है। पथ निर्माण के अनुसार पटना समेत इन सभी 7 जिलों के सड़कों को और चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए कुल मिलाकर 156 करोड़ की राशि जारी की गई है। आपको बता दें, जारी किए गए इस राशि में पथ निर्माण विभाग लगभग 65 किलोमीटर की सड़क और ज्यादा चौड़ा करेगा। अब आइए बात करते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे कीर्ति आजाद की। खिलाड़ी से नेता बने कीर्ति आजाद का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 1959 में उनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। कीर्ति आजाद भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज है। क्रिकेट की दुनिया से कीर्ति आजाद ने 1980 में वनडे मैच से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। वहीं 1981 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला डेब्यू किया था, जहां वो पहली दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। इसी के साथ ही उन्होंने 1983 में अपना आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। अगर हम कीर्ति आजाद के खेले गए मैच के प्रदर्शन की बात करें, तो कीर्ति ने भारतीय टीम की तरफ से कुल मिलाकर 7 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 3 विकेट अपने नाम दर्ज किए थे। वहीं अगर हम उनके ODI करियर की बात करें, तो कीर्ति ने अब तक कुल मिलाकर 25 मैच खेले थे, जिनमें 7 विकेट की ही सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी। CBSE परीक्षा में ड्रेस कोड हुआ अनिवार्य। CBSE से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। CBSE ने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नए नियमों को जारी किया है, जिसके तहत अब परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है, और सभी छात्रों को इसे सख्ती से फॉलो करने की अपील भी की गई है। CBSE ने यह साफ कह दिया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी छात्र ने अगर स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना है, तो हाथ में एडमिट कार्ड होने के बावजूद उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सभी छात्रों को परीक्षा में डिजिटल घड़ी पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। RBI दे रहा है नौकरी पाने का सुनहरा मौका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। अब RBI ने लीगल ऑफिसर,
टेक्निकल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत अन्य नॉन सीएसजी के पदों के लिए रिक्तियां निकाली है, जिसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी 20 जनवरी तक आवेदन भर सकते हैं। इन नए पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी आरबीआई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, साथ ही साथ इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां भी ले सकते हैं। BS6 मानक का पेट्रोल और डीजल मिलेगा 1 अप्रैल से। बिहार में इस साल के अप्रैल महीने से BS6 मानक का ईंधन मिलने लगेगा, जिसकी जानकारी CGM आरके सिंह ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान दी है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई बाइक कंपनियां BS6 मानक वाहनों को उतारने की तैयारियों में जुटी हुई है और कई ऐसे वाहन की कंपनियां भी हैं जिन्होंने BS6 वर्जन की गाड़ियों को पहले ही लॉन्च कर दिया है। इसी क्रम में अब पेट्रोलियम कंपनियां भी BS6 मानक के अनुरूप चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। वाल्मीकि नगर टूरिज्म में अब बनेगा रिजॉर्ट। नए साल की शुरुआत में ही वाल्मीकि नगर में टूरिज्म की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जिसके तहत अब जल्द ही वाल्मीकि नगर में 5 सितारा होटल की तर्ज पर और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनने वाला पहला रिजॉर्ट का पश्चिमी चंपारण के DM ने शुभारंभ कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी कारोबारियों को वाल्मीकि नगर एवं वाल्मीकि रिजर्व में टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश करने का अनुरोध किया है। कृषि कर्मण पुरस्कार से अब सम्मानित होगा बिहार। नए साल का बिहार को पहला पुरस्कार बस मिलने में अब कुछ ही घंटे शेष है। यह पुरस्कार बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे इस सम्मान में 2-2 करोड़ रुपए, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कृषि मंत्री, सचिव कृषि विभाग और कृषि निदेशक को बेंगलुरु आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी सरकार। अब बिहार शिक्षा विभाग जल्द ही 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्राओं को आगे पढ़ाई करने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करेगा, जिसके तहत 1662 स्कूलों में महिलाओं के सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसका आगाज 15 जनवरी से किया जाएगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार जल्द ही इस योजना के तहत महिलाओं को मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक तौर पर सशक्त करने के लिए विशेष रणनीति का भी आह्वान करेगा। बिहार BCE CEB LRC ने निकाली रिक्तियां। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड BCE CEB ने बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत AMIN पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है, जिसके तहत BCE CEB ने कुल मिलाकर 1767 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही हम अगर आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार bcecebboard.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं, साथ ही साथ इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां भी ले सकते हैं। अब 28 जनवरी तक होगी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ज्ञात हो 28 तक आयोजित होने वाली यह परीक्षा बिहार के लगभग सभी जिलों में 2 पालियों में ली जाएगी, जिसकी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी है। दिए गए जानकारी के अनुसार STET 2019 के इस परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार द्वारा मिले आयु सीमा में छूट के आधार पर किया जाएगा। नीतीश सरकार का जागा जेटली प्रेम। पटना में जेटली की प्रतिमा के अनावरण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए प्यार एक बार फिर जाग गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के तौर पर मनाने का फैसला किया है, जिसके लिए राज्य कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति भी उन्हें दे दी है। 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ होगा 11 जनवरी से। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत अब जल्द ही इस साल का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी 2020 से होगी। आपको बता दें, यह योजना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का 31वां आयोजन है और इसका समापन ठीक एक सप्ताह बाद यानी कि 17 जनवरी को कर दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। 4 जनवरी को बेगूसराय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश। जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बेगूसराय जिले पहुंचेंगे, जहां वो बेगूसराय के साहापुर कमाल प्रखंड के सादरपुर पूर्वी गांव का भ्रमण करेंगे, जिसकी तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू की जा चुकी है। खबरों के अनुसार 4 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर गंडक नदी के किनारे राजा जी के फार्म हाउस पर उतरेगा, जहां से वो सड़क मार्ग होते हुए पंचायत भवन जाएंगे और वहां लगभग 6 एकड़ में बने पोखर का भ्रमण करेंगे। राजगीर में 22-23 जनवरी को होगा जदयू के नेताओं का प्रशिक्षण। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में काफी समय बचा है, मगर राजनीतिक पार्टियां अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहती है, इसीलिए तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए जदयू भी अब अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गया है, जिसके तहत पार्टी ने 22-23 जनवरी को जदयू का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है।
कुंबले ने कहा कि आईपीएल के दम पर धोनी कर सकते हैं भारतीय टीम में वापसी। भारतीय टीम के पूर्व कोच एवं कप्तान लेग स्पिनर अनिल कुंबले से जब धोनी की वापसी को लेकर सवाल किया गया तो इसका जवाब देते हुए कुंबले ने कहा है कि ये इस पर निर्भर करता है कि एमएस धोनी आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या भारतीय टीम को लगता है कि इस विश्व कप में उनकी जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा है तो इस तरह टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। नए साल पर अक्षरा सिंह का गाना हो रहा है ट्रेंड। नए साल की शुरुआत में ही अक्षरा सिंह का नया गाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अक्षरा सिंह का यह गाना महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अक्षरा सिंह ने इस नए गाने का नाम है लड़की ना होती दुनिया ना होता। अक्षरा ने यह गाना खुद अपने ऑफिशियल यूट्यूब साइट से डाला है। अक्षरा सिंह का यह गाना लोगों को बेहद ही पसंद आया है, जिसके लिए लोगों ने अक्षरा के गाने पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। अब बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 8 जनवरी को मिनी बस की यातायात सेवा रहेगी बंद। बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। 8 जनवरी 2020 को समूचे बिहार में परिचालित होने वाले सभी बसों की यातायात सेवाएं रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। ऐलान ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और बिहार मोटर फेडरेशन ने किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के सभी मिनी बस चालकों का यह कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए अधिनियम का सीधा असर छोटे बस चालकों को देखने को मिल रहा है, इसलिए इस विधेयक की वापसी के लिए सभी मिनी बस के चालक ने इसे बंद करने का ऐलान किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपने नए साल का स्वागत किस अंदाज में किया? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।